हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग गोवा सीरीज का। सो ये व्लॉग इवनिंग 8th of September मेरे हस्बैंड का जिस दिन बर्थडे था उस दिन का है। सो इस दिन हमने एक्सप्लोर किए थे कुछ नई चीज़ें विच आई रियली वुड लाइक टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो। सो मॉर्निंग की वीडियो में ये मैंने वीडियो नहीं डाली, बिकॉज अगर मैं डालती तो वो 20 मिनट्स की हो जाती और आप लोग बोर हो जाते। सो अभी जल्दी से स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो। इस वीडियो में मैं एक्सप्लोर करने जा रही हूँ द फेमस रेस्टोरेंट ऑफ गोवा, जो कि यू नो कहने के लिए फेमस है बट एक्चुअल में फेमस नहीं है। उसका स्टोरी आपको पता चलेगा आगे पूरी क्लिप्स देखकर। एंड हम देंगे रिजॉर्ट का रिव्यू एंड हाउ वी सेलिब्रेटेड मिस्टर ध्यानी'स बर्थडे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हम लोग गूगल के रेफरेंस से इस रेस्टोरेंट में आए हैं। दिस इज टोमेटोज। फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं यहाँ पे एंड नियर बाय में बेस्ट रेटिंग किसी रेस्टोरेंट को मिला हुआ है। सो वी आर ट्राइंग फूड। एंजू, आर यू लाइकिंग इट? लेट्स चेयर्स एंजू, चेयर्स। सो जैसे ही हम लोग रेस्टोरेंट में पहुंचे, हो गई छप 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 बारिश शुरू और वेदर हो गया और भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन। और वहाँ पे लाइव म्यूज़िक चलता है मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स में, जितने भी बड़े रेस्टोरेंट्स होंगे वहाँ पे लाइव म्यूज़िक चलेगा जितना मैंने देखा है। एंड सोने पे सुहागा सिंगर ने लगा दिया ऑसम वाला सॉन्ग बारिश में मूड। देखिए आप देखिए। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम ट्राइंग गोवन व्हाट? गोवन कैश्यू फेरी। द गोवन कैश्यू फेरी भैया इज मेकिंग फॉर मी। कभी भी किसी जगह में जाती हूँ ना, तो उसकी जो भी फेमस चीज़ होती है उसको मेरे को ट्राई करने का ना हमेशा से शौक रहा है। तो यहाँ पे अभी मैं फेनी ट्राई कर रही हूँ, दैट इज़ मेड बाय, मतलब काजू से बनी होती है, काजू की बनी होती है। एंड मुझे मीठी लगी और मैं उसको फीडबैक दे रही थी, भाई ये तो मीठी है। तो लाइव म्यूजिक चल रहा है, आई डोंट नो आपको आवाज आ रही होगी नहीं होगी। लाइव म्यूजिक चल रहा है एंड वी आर हैविंग प्यार क्या है ये मुझको।
हैप्पी बर्थडे पापा। मामी 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 दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं। फाइनली हम लोगों ने खूब इंजॉय किया लाइव म्यूजिक को भी, और वहाँ का एम्बियंस भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। फूड दो इट वॉज ओके ओके, एंड काफ़ी सारे फोटोग्राफ क्लिक्स किए, एंड रात को ऑलमोस्ट 9:30 हम लोग आ गए थे वापस रिजॉर्ट में, एंड देन वी सेलिब्रेटेड मिस्टर डियानीज बर्थडे। सो फाइनली बैक टू द होटल, सो फाइनली बैक टू द रेस्टोरेंट, सो फाइनली बैक टू द रिजॉर्ट। सॉरी आई वॉज नॉट गेटिंग द वर्ड रिजॉर्ट। सो अभी हम लोग सबसे फेमस यहाँ के रेस्टोरेंट में गए थे, एंड ऑनेस्टली टेलिंग यू दैट इज़ कॉल्ड टोमेटो। बहुत सर्विस A1, एम्बियंस A1, फूड 0, बिल्कुल बहुत पैथेटिक फूड था। इट वॉज़ लाइक मैंने दो बार उनको लिटरली गर्म करने के लिए बोला कि भाई गर्म कर दे, अच्छा नहीं लग रहा है। इट मतलब वो यार मज़ा नहीं आया सीरियसली। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, इफ वी आर स्पेंडिंग मनी ऑन फूड, इट शुड बी क्वालिटी होना चाहिए राइट। बट उसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा बकवास था, लिटरली बकवास था। आई डोंट नो वाई पीपल रिकमेंडिंग दैट, क्योंकि गूगल को सर्च करके ही मैं वहाँ पे गई थी, और मुझे बिल्कुल 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 भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Papa. Happy birthday to you. Oh wow. Wow. Chalo Papa. खिलाओ काट के इंजू पापा से, खिलाओ चेरी दे दो पापा ने, गिफ्ट चेरी दे दो गिफ्ट पापा। सो दिस इज द एरिया जहाँ से हम लोग रह रहे हैं। सुपर मार्केट, बाजार, सब कुछ बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल है। बहुत बड़ा है, अभी आ नहीं रहा है ये, तो लेट्स एंटर। मैं आपको दिखाती हूँ। ये इनका रिसेप्शन है, एंड यहाँ पे इनकी फ्लोरिंग कर रखी है। एंड लेट्स ये इनका छोटा सा, ये इनका गार्डन है, बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया हुआ है। सो देर आर थ्री बिल्डिंग्स, मेन थ्री बिल्डिंग्स जो इसको कवर करती हैं। सी एज यू कैन, जैसे कि आप देख सकते हैं साइन बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे हम एंटर करेंगे, ये है पूल, दिस इज द पूल एरिया, दिस इज वन बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है, फिर उसके बाद ये एक बिल्डिंग है, फिर उसके बाद एक ये भी बिल्डिंग है। ये छोटा सा हाउस टाइप है, आई डोंट नो इसका क्या है। फिर हमारी बिल्डिंग उस साइड है, एंड यहाँ से हम लोग एंटर होकर
this is the sitting area, whole sitting area where you can have photographs. I really like this place. And okay, sorry, वो आपका restaurant है, बहुत beautiful restaurant है. कल morning में इसको shoot करूँगी तब आपको दिखाऊँगी breakfast के time. And here are the rooms. ये हमारी बिल्डिंग है और अब हम लोग जा रहे हैं अपने रूम की तरफ. सो दिस बैक साइड इज फॉर पार्किंग और टू व्हीलर्स के लिए अच्छा खासा पार्किंग है. फोर व्हीलर के लिए मुझे पता नहीं, बट फोर व्हीलर भी हो सकती है पार्क अगर आए तो. काफ़ी सारी स्पेस है. यहाँ से एंट्री है टू व्हीलर और फोर व्हीलर से. एंड दिस इज आवर स्टे. तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड. मिलेंगे आपको कल नेक्स्ट डेस्टिनेशन में विद न्यू प्लान्स. अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है मैं कहाँ जाने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ, कैसा होगा. दैट आई डिसाइड इन द नाइट. सुबह जाएंगे और सुबह आपको पूरा प्लान शेयर करेंगे. सो आज बाघा बीच जाना था, बाघा बीच का प्रोग्राम थोड़ा कैंसिल हो गया बिकॉज बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे. सो हम लोग इसीलिए पास के रेस्टोरेंट में गए तनुज का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए. वी हैड डिनर सॉर्टेड, नाउ विल स्लीप. थोड़ा जल्दी सोएंगे और मॉर्निंग में जल्दी उठ के जाएंगे. तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.